नमस्कार लना, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आज आपके बीएससी सेकेंडरी के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ आइसोमेरेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका पार्ट फर्स्ट हम इससे पहले डिस्प्ले कर चुके हैं, ये दिस इज द पार्ट सेकेंड जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरेज का सेकेंड पार्ट। आइसोमेरेज क्या होता है, आइसोमेरेज की डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ। आइसोमेरेज मीन द कंपाउंड विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनकी स्ट्रक्चर या उनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है तो हम उसको किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, आइसोमर्स। और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है तो हम उसको कौन से आइसोमर्स के कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं, जिसके अंदर हम लिंकेज आइसोमर्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज आपके पास है आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन नाम से क्लियर हो रहा है, आयनाइजेशन आयंस, आयंस में आइसोमर्स होना। दिस इज द फिनोमेना बाय विच द लिगेंड प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड एन आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन एक्सचेंज देयर प्लेस। द सेंटर मेटल आयन देयर लिगेंड एक्सेप्ट वन दैट इज एक्सचेंजेबल आर सिमिलर इन बोथ द आइसोमर्स। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड और इनसाइड जो लिगेंड होता है, लाइक जैसे हमने को एग्जांपल लिया CuNH3 का होल 4 Cl2SO4 तो आउटसाइड और इनसाइड द स्फीयर्स आयन बिकम डिफरेंट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड एनायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी एक्सचेंज, ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड द सेंटर मेटल आयन द लिगेंड एक्सेप्ट वन ऑफ द एक्सचेंजेबल आर सिमिलर इन बोथ द आइसोमर्स। इन ये अगर ये आयन है, फिलहाल ये यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन एक आयन लिया हमने, ठीक है, ये आयन नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये आयन एक्सचेंज होते हैं, केवल इनमें से कोई एक आयन एक्सचेंज होगा। अगर यहाँ पर भी कोई आयन होता है, सपोज हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है Cl2F2NO2 का होल 2, सो दीज आर द आयन्स और आपका है बाहर से Cl3, तो दीज आयन्स आर एक्सचेंजेबल। ये तीन Cl अंदर आ सकते हैं और इनमें से ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीन के तीन आयन है, क्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन और नाइट्रेट आयन, तीनों आयन अपने एक्सचेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज होती है हमारे कौन से आइसोमेरिज की कैटेगरी में आती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज की कैटेगरी में आती है। दस द आयनाइजेशन आइसोमर्स इज द एक्सचेंजेबल ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर। इसका मतलब क्या है, इनमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सराउंडिंग में जो आयंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अपनी पोजिशन को एक्सचेंज कर देते हैं। The physical and chemical property of two isomers are entirely different as they are given different ions are dissolving in the suitable solvent. जिसके कारण इनकी physical और chemical properties में क्या आता है, वेरिएशन आता है। क्यों आता है, आपको सोचिए, हमने कहा आयन हमारे हमारे पास कोई फॉर्मूला है, हमने कहा हमारे पास ये आयन है, हमने कहा हमारे पास CuNO2 का होल ट्वाइस, CO2NO2 का होल थ्राइस Cl3, और इसके बाहर से आपके कोई भी आयन है आपका, आप आयस कुछ भी ले सकते हैं आप। इसको अगर हम क्लोरीन को बाहर रख देते हैं, काम करते हैं क्लोरीन को बाहर रख देते हैं, Cl का होल थ्राइस और ये हमारा हो गया Cl3, ठीक है। दीज आयन आर एक्सचेंजेबल, ये हमारे आयन एक्सचेंजेबल है, अंदर बाहर एक्सचेंज कर सकते हैं। सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू आइसोमर्स एंटायरली डिफरेंट। सबसे पहली बात, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी कहा मैंने, तो सबसे पहली बात इनका नाम ही चेंज हो जाएगा। नाम इसलिए चेंज होगा क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ पर CN है तो इसका नाम साइनाइड होगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर क्लोरीन होगा तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन। सबसे पहले बात तो इनका नाम ही चेंज जाएगा। दूसरा, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ टू आइसोमर्स एंटायरली डिफरेंट एज ए गिवन डिफरेंट आयन है डिजॉल्विंग द सूटेबल सॉल्वेंट। दूसरी बात, पहले वाले में क्लोरीन आयन है और अगर एक्सचेंज हो जाता है ब्रैकेट के बाहर का मटेरियल, CN बाहर आ जाता है, क्लोरीन अंदर आ जाता है, सो दैट आयन कैन बी डिजॉल्व इन द एक्वस मीडियम। अगर इस आयन को मैं वाटर के अंदर डिजॉल्व करती हूँ सो वी गेट द क्लोरीन आयन, हमें कौन सा आयन मिलेंगे, क्लोरीन आयन मिलेंगे। एंड दिस आयन कैन बी डिजॉल्व इन द वाटर मीडियम वी गेट द CN- आयन, हमें इसमें कौन सा आयन मिलेंगे, CN- आयन। सो बोथ शोन द डिफरेंट प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द नेमिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी शोन द वेरिएशन। एंड टू ऑक्टाहेड्रल आयनाइजेशन आइसोमर विल बी हैव 5 आइडेंटिकल लिगेंड विल द 16th लिगेंड विल बी द सेम डिफरेंट। हमारे पास अंदर के ऑल लिगेंड तो सेम प्रॉपर्टीज को करेंगे बट दो आयंस शुड बी एक्सचेंज आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर शोन द वेरिएबिलिटी एंड शो द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सो दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज आर नॉमिनेट एज ए आयनाइजेशन आइसोमर। इन केस ऑफ टेट्रा कोऑर्डिनेट आइसोमर्स 3 लिगेंड विल बी आइडेंटिकल। अगर ये बात टेट्राहेड्रेट लिगेंड में बात करी जाती है,
टेट्राहेड्रेट नहीं गई की मतलब बात करी जाएगी, टेट्राहेड्रेट कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसमें बात करी गई। कहने का मतलब है सेंटर मेट इज सराउंडेड बाय द फोर लिगेंड। सेंटर मेट कितने लिगेंड से सराउंडेड है? फोर लिगेंड से। सो नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फोर लिगेंड एग्जांपल NaCl4, ठीक है। एंड आउटसाइड द एनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्पेरिया, ऐसे ले लीजिए NaCl का होल 4 एंड वी गेट द Cl- आउटसाइड द स्पेयर। सो थ्री लिगेंड विल बी आइडेंटिकल एंड फोर्थ वन इज द डिफरेंट वन। हमारे पास पे एक्सचेंजेबल प्रॉपर्टी जब डेवलप होगी तो वी गेट व्हाट NaCl का होल थ्राइस एंड Cl एंड दिस Cl- आर मूव आउटसाइड द स्पेयर। ये चार में से एक Cl बाहर चली गया और Cl क्या आ गया, अंदर आ गया। द आइडेंटिकल फोर्थ वन विल बी डिफरेंट वन। हमारे पास इसमें चार के चार Cl थे, इससे क्लियर हो रहा है कि निकल कैन बी जॉइंटेड बाय द फोर Cl आयन। निकल चार Cl से अरेंज है, ठीक है। निकल हमारे चार Cl से अरेंज है, बट इन दिस केस निकल कैन बी सराउंडेड बाय द 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl एंड 4 फिल्ड द क्लोरीन आयन, बिकॉज 1 Cl आयन शुड बी मूव टूवर्ड द आउटसाइड द स्पेयर। That means the different ligand in the isomers may be outside the quadrant sphere in the other isomers. The oxidation state of center metal ion would be not changed in the two isomers. चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ligand अंदर बाहर exchange हो जाए, उनकी physical या chemical property में variation आ जाए, but its oxidation number should be same. उनका oxidation number क्या होगा? Same होगा। हमारे ions अंदर बाहर exchange जरूर होते हैं, बट उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। लाइक दैट जैसे हम इसमें लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस तरह की आइसोमेरेज हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाती है? हम इसको रख देते हैं किसमें? आयनाइजेशन आइसोमेरेज के अंदर। जैसे कि हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए CO H2 का होल 5 BrCl। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, देखिए CO H2 का होल 5 BrCl, दूसरे वाले में CO H2 का होल 5 ClBr। तो पहले वाले में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है क्लोरीन आयन, ठीक है, और इस ब्रोमीन क्या है? अंदर। तो इसका नाम है पेंटा एक्वा ब्रोमो क्लोरिडो सेकंड आयन, ठीक है। ये दिख रहा है पेंटा एक्वा ब्रोमिडो कोबाल्ट सेकंड फ्लोर। इस वाले में ब्रोमीन बाहर एक्सचेंज कर दिया, तो पेंटा एक्वा क्लोरिडो ये हो गया क्लोरिडो, ये हो गया कोबाल्ट सेकंड ब्रोमाइड है। तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में देखने यहाँ पर सेकंड दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है? सेकंड है। यही चीज को मैंने वर्बली जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, मैंने बोला है इन आइसोमर्स पास, अगर इनको लेके जा रहा है आइसोमर्स पास, द स्पीसीज द जनरेट फ्रॉम द आयनाइजेशन आइसोमर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cl- आयन। इसमें जो आयनाइजेशन आइसोमर्स डेवलप हो रही है किसके कारण हुई है? Cl के कारण हुई है। ये Cl एंड सेकंड वाइज द Br-, ये Cl क्या हो रहा है? अगर इसको आयनाइज करा जाएगा तो वी गेट द Cl- आयन। अगर इसको आयनाइज किया जाए तो हमें कौन सा आयन मिलेंगे? Cl- आयन। और इसको आयनाइज किया जाएगा तो हमें इसमें कौन से मिलेंगे? Br-। क्या करने का मतलब है? इसको आप बना के देख सकते हैं, आप सेपरेट करके देख सकते हैं, CO H2O5 BrCl आपका एक फॉर्मूला है। हमने इसको एक्वस मीडियम में डिजोल्व करा, किसी भी मीडियम में डिजोल्व करा, सो वी गेट व्हाट? CO H2O5 Br प्लस एंड Cl- आयन। सो आयनाइजेशन आइसोमर्स के लिए हमें क्या मिला? Cl- आयन। व्हाई इन आइसोमर सेकंड, जबकि सेकंड वाले में हमें देखा जाएगा, सो हमें सेकंड वाले में क्या मिलेगा? CO H2O5 Cl+ एंड Br-। हमें क्या मिलेगा इस वाले में? Br-। सो हमें मीडियम क्या, इसमें Br-, इसमें क्या मिला? Cl-। सो ये लिखा देखा आयनाइजेशन स्पीसीज Br-, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज द पॉजिटिव आयन एंड अदर आयनाइजेशन आइसोमर्स आर। इसके अगर हम अदर एग्जाम्पल लेके चले तो हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, देखिए वन आइसोमर CO H3O5 BrSO4 पहला कॉम्प्लेक्स ये है, तो IUPAC नेम्स की बात करेंगे तो क्या नाम होगा इसका? पेंटामीन ब्रोमिडो कोबार सेकंड सल्फेट। ओके, इसका नाम क्या होगा? पेंटामीन ब्रोमिडो कोबार सेकंड सल्फेट। तो हम इसको अगर आयनाइज करते हैं तो हमें आयनाइज करने पर हमें कौन सा आयन मिलते हैं? अगर हम इसको आयनाइज करते हैं तो हमें इसमें दिख रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या है? SO4, सो वी गेट द SO4- आयन। हमें क्या मिलेगा? SO4-2 आयन। हमें क्या मिल रहा है? SO4-2 आयन। एंड द सॉल्यूशन एंड डिवर द वाइट प्रेसिपिटेट विद द BaCl2, और यह BaCl2 के साथ कैसे रंग का प्रेसिपिटेट देता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है।
ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा SO4 माइनस 2 देता है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको SO4 ब्रैकेट के बाहर SO4 2 माइनस है। साथ साथ अगर इसमें BaCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, सो वी गेट द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaCl2। व्हाइल इन केस ऑफ सेकंड आइसोमर दिस वन जो एग्जांपल दे रखा है, सो वी गेट द व्हाट आयन, हमें क्या मिलेगा Br- आयन, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा Br- आयन इन द सॉल्यूशन एंड गिव्स द लाइट येलो प्रेसिपिटेट विद AgNO3। अगर और इसी सॉल्यूशन में AgNO3 का एक्वस मीडियम डाला, AgNO3 डाला, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है इसका येलो प्रेसिपिटेट। तो देखो आपको मैंने क्या बोला, इन द आयनाइजर आइसोमर द आयंस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड द स्फीयर, आयंस डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, COCl सेंटर बॉन्ड सेम है, NH3 का होल 5 NH3 का होल 5 सेम है, Br और SO4 अंदर बाहर एक्सचेंज होगा, इसमें SO4 बाहर है तो SO4 आयन मिलेगा, इसमें SO4 अंदर है तो Br- है तो Br मिलेगा। और साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है, तो पहले वाले की केमिकल प्रॉपर्टीज में BaCl2 के साथ रिएक्शन करें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, और दूसरे वाले में क्या मिल रहा है AgNO3 के साथ येलो प्रेसिपिटेट, हमें येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ। ठीक, इसी का एक एग्जांपल अगर देखें, एक और हमने एक एग्जांपल और लिया है, तो हमें तीसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, तीसरे एग्जांपल में आप देखिए PtNH3 का होल 5 BrNO2-, तो इसमें आपको दिख रहा होगा आउटसाइड द स्फीयर NO2- है, सो हमें आउटसाइड द स्फीयर NO2- है मिलेगा, इसका आईपी सिरे ट्राईएमीन दिख रहा है, ट्राईएमीन ब्रोमिडो ब्रोमिडो प्लैटिनम सेकंड नाइट्रेट, हमारे पास इसमें नाइट्रेट आयंस मिल रहे हैं। ठीक, एंड इसी का अगर आइसोमर देखा जाए तो NO2 अंदर चले जाएगा और Br बाहर आ गया, PtNH3 का होल 5 NO2 अंदर आ गया, Br बाहर आ गया, इसका नाम क्या होगा, ट्राइमीन नाइट्रेटो प्लैटिनम सेकंड ब्रोमाइड। द आयनाइजेशन आइसोमर इज अ प्रोडक्ट, द आयन शुड बी डिफरेंट, दैट इज NO2- आयन Br- आयन, इसमें NO2- आयन मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा Br- आयन, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, बट बोथ शो द डिफरेंट फिजिकल, बोथ शो द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो इसमें जो रिएक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस NO2- आयन वी गेट द डिफरेंट कलर टू दिस वन, हमें इसमें डिफरेंट कलर मिलेगा, इस वाले से डिफरेंट कलर मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो NO2- के बेसिस पे करेंगे और इसमें किसके बेसिस करेंगे, Br- के बेसिस पे करेंगे। सो दैट मींस कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम देखें कि आयनाइजेशन आइसोमर्स हम किसको कहते हैं, अगर हम आयनाइजेशन आइसोमर्स की बात करेंगे तो आयनाइजेशन आइसोमर्स वो हुए जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर आयन आर डिफरेंट, आउटसाइड आयंस क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं और बोथ शो द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम किस नाम से जानते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ आइसोमेरिज, इसकी पहचान करना सीखिए और किस आयन को ब्रैकेट के बाहर रखोगे, किसको अंदर रखोगे, इसके बेसिस पर हम इस आयनाइजेशन आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।